हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी आई डू माय सिस्टर्स मेकअप। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ वॉइस ओवर में बात करूंगी। वैसे हम घर में गुजराती में बात करते हैं तो बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम वॉइस ओवर में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम रोज़ वाटर यूज़ करेंगे और इसे एज ए टोनर की तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं द ब्यूटी को का रोज़ गोल्ड ऑयल यूज़ करूँगी, जिससे हमारा फेस ग्लोइंग लगेगा और हमारा जो मेकअप है वो इजीली हमारे फेस पे ब्लेंड होगा। नेक्स्ट हम मैक का प्रेप एंड प्राइम यूज़ करेंगे और ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है और ये एज ए प्राइमर की तरह भी काम करता है। और हाँ दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है वही आपको करनी है, आप आपके पसंद की कोई भी अच्छी ब्रांड की कर सकते हैं। उसके बाद मैं एलेगल का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर लूँगी, जिससे हमारे जो डार्क सर्कल है वो थोड़े लाइट लगे। दोस्तों, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ऑरेंज कलर करेक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर लूँगी और इसका जो शेड है वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, तो ये फुल कवरेज देता है। अगर आपकी शादी है या फिर आप कोई बड़े से फंक्शन में जाने वाले हो तो ये वाला जो फाउंडेशन है उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये फुल कवरेज देता है और हमारे स्किन पे लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। और ये सेम फाउंडेशन को मैं एज अ कंसीलर की तरह भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये फुल कवरेज देता है तो डार्क सर्कल को भी हाइड करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद हम लूज़ पाउडर यूज़ कर लेंगे और लूज़ पाउडर को मैं सिर्फ अंडर आई एरिया पे ही अप्लाई करूँगी, जिससे हमारा जो कंसीलर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और स्प्रेड ना हो जाए। उसके बाद मैं मैक की आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी और आईब्रोज पे जितने भी गैप है वो हम फिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही नेचुरल सी आईब्रो पेंसिल है और ये इंडियन स्किन पे ये वाला जो शेड है वो परफेक्ट है। उसके बाद हमने जो पाउडर लगाया था उसे हम निकाल लेंगे और पूरे फेस पे मैं मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर लूँगी। हम नेक पे कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन अप्लाई करना भूल गए थे तो यहाँ पे हम वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट से ये वाला जो शेड है उसे हम क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लेंगे और हम इसे स्लोली स्लोली ब्लेंड कर लेंगे। अब ये वाला जो शेड है उसे हम आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद ये जो ग्लिटरी शेड है उसे हम आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे। मेरी सिस्टर को आई शेडो अप्लाई करते टाइम भी आंखों पे गुदगुदी होती है, ये मैंने पहली बार सुना है। आईज को थोड़ा सा और ग्लिटरी दिखाने के लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड आई शेडो अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैं लैक्मे की आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी और इसकी हेल्प से मैं विंग लाइनर क्रिएट कर लूँगी। उसके बाद मेरी जो सिस्टर है वो आईलैश को कर्ल कर लेंगी और मैं जो पैक के फेक आईलैश है वो इसे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे मेबेलिन के टोटल टेम्पटेशन मस्कारा अप्लाई कर लूँगी और ये न्यू लॉन्च हुआ है और ये मुझे बहुत बहुत ही पसंद है। उसके बाद ये नायका आई एम बोल्ड काजल अप्लाई कर लेंगी। ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज़ करूँगी द बाम के बहामा मामा ब्रॉन्जर और दोस्तों, ये मेरा ड्रीम था कि ये वाला जो ब्रॉन्जर है वो फ्यूचर में मैं ज़रूर खरीदूंगी और एक साल के बाद इसे मैंने ख़रीद लिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बहुत ही अच्छा है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया और इसके बारे में मैंने बहुत ही सुना था, इसलिए जब भी ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो मैंने ये ख़रीद लिया। उसके बाद मैं नायका का हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी और इसे मैं नोज़ पे, चीक बोन पे, ब्राउ बोन पे, क्यूपिड्स बो पे और आई इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाते टाइम हमें बहुत ही मज़ा आया। सॉरी दोस्तों, हम आपके साथ बात नहीं कर सके क्योंकि हम लोग गुजराती में बात करते हैं और हम फेक हिंदी बोल के आपके साथ बात तो नहीं कर सकते और ये ऐसा सुन के आपको बिल्कुल भी मज़ा भी नहीं आता। ब्लश के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन की ब्लश पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें से जो पिंक शेड है उसे मैं चीक पे अप्लाई कर लूँगी।
मेरी जो सिस्टर है वो कैमरा शाय है, तो उसे कोई भी बात पे हंसी आ जाती थी। और लास्ट में हम लॉरियल की लिपस्टिक यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों ये है इसका फाइनल लुक। और मैं मेरी सिस्टर को गुजराती में कहना चाहती हूँ कि मोना थैंक यू सो मच मारा वीडियो में आवा माटे अने मारा वीडियो में 4 चांद लगावा माटे, तारो खूब खूब आभार। आई होप आपको ये वाला लुक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।